पचास साठ परसेंट तक के रिटर्न यहाँ पर देता हुआ नजर आ सकता है तो शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा और, के के और हमारे इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले एक स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम क्या है जिसका नाम है स्टार हाउसिंग फाइनेंस छह भागा, तो भागा था लगभग तेरह से चौदह परसेंट दोबारा शेयर भागते हुए आया था क्या इससे पहले मैंने ये शेयर बताया था लास्ट क्वार्टर में ही ये शेयर मैंने आपको बताया था इसके लिए स्टार हाउसिंग फाइनेंस पे हम जाएंगे ओके तो यहाँ पर लिखेंगे तो आपको पता चलेगा देखिये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटलिंग स्टॉक माइक्रो कैप स्टार हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स रेजिस्टेंस सपोर्ट सब बताया था दो महीने पहले यहां पर बताया था और दो महीने पहले अगर मैं यहाँ पर स्टार हाउसिंग फाइनेंस को आपको निकाल के देता हूँ तो आपको पता चलेगी कि इसने कितने परसेंट की रिटर्न दी है दो महीने पहले ये यह शेयर यहाँ पर चलता था सौ रुपए के आसपास ओके और अभी अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो कितने परसेंट के रिटर्न इस पर्टिकुलर शेयर ने आपको दे दिए हैं वो आपको पता चलता हुआ दिखाई देगा तो इस शेयर ने आपको दो महीने के अंदर अंदर लगभग 68 परसेंट के रिटर्न दे दिए 68 के रिटर्न आपको मिलते हुए नजर आया इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में जब से हमने आपको बताया दो महीने में इतने बेहतरीन रिटर्न मिलते हुए नजर आए और कल भी कल हमने एक और स्टॉक से रिलेटेड बातें करी थी जिसका नाम था मुनार्का यहाँ पर आप जाएंगे नीचे ओके तो आप वीडियोस पे जाएंगे तो आपको पता चलेगी मैंने आपको लिख के साफ लिखा है ये शेयर अभी जाकर खरीद लो करोड़पति बना देगा राकेश ने खरीदा मोरार का ओके कल मैंने ये बताया था और यहाँ पर हम बात करें आज के दिन दोबारा यहाँ पर अपर सर्किट लगाए और टारगेट भी बताए थे बट यहाँ पर रुकने वाला नहीं है चीजें ऊपर जाएंगी क्यों क्योंकि ऐसे शेयर नहीं मिलते ढूंढने से ऐसे माइक्रो कैप माइक्रो पैनी स्टॉक्स बहुत कम मिलते हैं तो इस ऐसे ही स्टॉक्स हाउ जैसे स्टार हाउसिंग फाइनेंस दोबारा आपको बता रहा हूँ ओके okay, जब मैंने आपको बताया था तब भी मैंने आपको बताया था एक हजार तक ये शेयर पर जा सकता है और अगेन अगर मैं इस शेयर की बात करूं रिटर्न देता हुआ नजर आ सकता है क्यों दे सकता है इसके पीछे की गणित समझिएगा ओके मैं यहाँ पर कोई भी वीडियोज बना रहा हूँ तो कोई आंख बंद करके नहीं बना रहा हूँ और किसी भी आ, ऐसे ही कोई भी स्टॉक्स पकड़ा पकड़ के यहाँ पर बना दिया ऐसा बिल्कुल नहीं होता किसी ना किसी एक रीजन की वजह से को को बनाया बनाया जाता है तो वो ही reason यहाँ पर 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 महीने पहले था था जब मैंने इस वीडियो को बनाया था, 68% return मिल यहाँ पर आज दोबारा बना रहा आपको और मल्टीपाइ का रिटर्न दे सकता है आ, क्या रीजन है जान लेते हैं सबसे पहले पूरा फंडामेंटल जानना है तो उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा तो आप देख लीजिएगा बट यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं कंपनी करती क्या है देखिए एक एम स्टार हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस फाइनेंस कंपनी स्टार्ट इन 2005 में स्टार्ट हुई थी होम लोन में कंपनी काम करती है लो एंड मिड इनकम ग्रुप के लोगों को यहाँ पर लोन देती है और जब मिड और लो इनकम के लोगों को देती है ना तो एक इनके साथ में क्या फैक्टर रहता है इनके साथ में एक फैक्टर रहता है जिसे हम कहते हैं पर पर रिस्पेक्ट वाला देखिए बड़े-बड़े लोग से फ्रॉड कर जाते हैं बट छोटी इनकम वाले लोग ओके कभी भी फ्रॉड नहीं करते क्योंकि उनकी इज्जत उनको पैसे से ज्यादा प्यारी होती है तो कहीं ना कहीं जब ये छोटे लोगों को या मिड इनकम के लोगों को यहाँ पर लोन देते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें फायदा होता हुआ नजर आता है उनका जो पैसा होता है कहीं ना कहीं सिक्योर होता है और वो सिक्योर यहाँ पर दिखाई देता है और जब यहाँ पर पैसे मिलते हैं तो ऐसी छोटी कंपनी बड़ी बन जाती है जैसे कि बजाज फाइनेंस कभी छोटी थी तो आज बड़ी हो गई है तो यहाँ पर कंपनी यहाँ पर पी एल आई स्कीम भी देती हुई नजर आती है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना है इसके अलावा राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु जैसे राज्यों में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है तो ओवरऑल चीजें आप यहाँ पर समझ गए कर दी है यहाँ पर बात करें मार्केट कैप दो करोड़ रुपए का मार्केट कैप है अभी भी माइक्रो कैप कंपनी है स्टॉक पीई की बात करें सेवेंटी का है और इंडस्ट्री का ट्वेंटी का है जब शेयर भाग रहा होता है कंपनी परफॉर्म कर रही होती है तो यहाँ पर पी नहीं देखा जाता फिर तो शेयर भागते ही है और रिटर्न दे गई आर ओ सी आर ओ कुछ खास नहीं है और ऐसी कंपनी में आर ओ सी आर ओ देखते भी नहीं है क्योंकि ऐसा ही रहता है चाहे एच डी एफ सी देख लीजिए जिसने मल्टीबैगर रिटर्न दिए या कोई भी कंपनी

यहाँ पर अगर बात करें मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी होता हुआ नजर आया है इसके अलावा क्वार्टरली इस रिजल्ट देखेंगे इस बार के भी देखिए ने यहाँ पर कंट्रोल किया है जिसकी वजह से फिफ्टी का ईयरली बेसिस क्वार्टरली बेसिस पे तो मार्जिन पे इफेक्ट है बट बात करें ईयरली बेसिस पे तो यहाँ पर देखिए अड़तीस से इक्यावन है और अगली बार के भी रिजल्ट शायद यहां पर अच्छे आते हुए एक दो क्वार्टर के और अच्छे आते हुए दिखाई दे सकते हैं तो आपको कहीं जाना नहीं है ये शेयर में बने रहना है ये शेयर 200 300 400 रुपए तक यहाँ पर इजीली शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में भी अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे दी कंपनी ने तो और शेयर भागता हुआ दिखाई देगा इस चीज को याद रखिएगा नेट प्रॉफिट आपके सामने है सेल्स लगातार हाई है ओके okay, यहाँ पर देखिए 19 लाख से यहाँ पर 19 करोड़ तक की सेल्स आ गई है पांच लाख का प्रॉफिट यहाँ पर तीन करोड़ इक्यावन लाख का प्रॉफिट हो गया है रिजर्व कंपनी के पास है बोलेंगे हम देखेंगे नहीं ओके इन्वेस्टमेंट आठ करोड़ का कैश की बात करें चौतीस करोड़ का कैश पड़ा हुआ है और यहाँ पर प्रोमोटर्स के पास एज इट इज यहाँ पर प्रोमोटर्स थोड़े से शेयर बेच रहे हैं इस चीज को याद रखिएगा सैंतीस थे अभी थर्टी फाइव कर लिया तो यहाँ पर शेयर पर बेचते हुए नजर आए प्रमोटर्स एफ आईज है, है as well as की बात करें सिक्सटी फोर परसेंट है सिक्सटी फोर में भी बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर हिस्सेदारी ले रखी है तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी और इस फैक्टर को भी यहाँ पर देखिएगा क्यों क्योंकि देखिए शेयर ऑलरेडी यहाँ पर टॉप पे पहुंच गया है और टॉप पे पहुंचने के बाद यहाँ पर शेयर ने क्या किया है यहाँ पर एक कैंडल बनाई है और जब भी इस तरीके की कैंडल ऊपर बनती है और इसका लो अगर कल टूट गया तो ये सपोर्ट नजर आएगा एक सौ रुक गया तो ठीक तो यहां पर आके फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और चीजें ऊपर जाएंगी जैसे यहाँ पर बनी थी यहाँ पर से देखिए यहां पर गया था एक सपोर्ट बना और ऊपर जाके अच्छे खासे इसने रिटर्न दे दिया कुछ दिनों में बट अगर यहाँ पर से लगातार गिर जाता है तो यहाँ पर चीजें और बिगड़ के नीचे आ सकती है और एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है वॉल्यूम बेहतरीन वॉल्यूम शेयर लगातार लोअर हाइज लो लो हायर हाईस बनाते हुए नजर आ रहा है ये शेयर देखिए यहाँ हाई हाँ बनाया फिर यहाँ फिर या, फिर यहाँ फिर यहां और अगेन हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया था अभी यहाँ पर देख सकते हैं एक से चीजें नीचे आ जाए कूल ऑफ हो जाए तब लीजिएगा शेयर महंगा है इस चीज को याद रखिएगा बट कंपनी लगातार परफॉर्म कर रही है और जब कंपनी लगातार परफॉर्म करती है स्टार्टिंग में शेयर को पकड़ ले तो अच्छे रिटर्न मिलते जैसे कि यहां पर हमने पकड़ा था तो अच्छे खासे रिटर्न हमें मिलते हुए नजर आए थे पहले ही वीडियो बना दिया था अगेन बना रहा हूँ बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है याद ये सपोर्ट और ये सपोर्ट है। अगर ये टूटते हुए तो चीजें तो नीचे आ जाती है ऑफ हो जाती है कंसोलिडेशन चालू हो जाएगा चीजें दोबारा नीचे आएगी तो यहाँ पर बाइंग करिएगा बट स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करिएगा तो अच्छे खासे पैसे बनते हुए नजर आएंगे और अभी तेजी के लिए इसे इस लेवल से ऊपर निकलना बहुत जरूरी है इस लेवल से ऊपर निकला ओके 159 59 को ने इसने क्रॉस किया तो एक तेजी होती हुई दोबारा यहां पर आप देख सकते हैं जो कि फ्यूचर में होती हुई दिखाई देगी तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं फाइनेंशियल शेयर खुद की स्टडी करें वीडियो अच्छी लगे लाइक लाग करिए करें, कमेंट करिएगा शेयर करिएगा और इसी तरीके के शेयर डेली दे रहा हूं सीख लीजिए यहाँ पर सिखाया भी जा रहा है और मोरार का एक उसमें से दूसरा स्टॉक है जो अच्छा खासी रिटर्न दे सकता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को हिट और दूसरे चैनल हमारे ट्रेडिंग से को भी यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस